Hello, Arjun's eyebrow tutorial. I'm using this Nika K eyebrow gel cream. This is in the shade dark brown. First things first, I'm going to do the upper and the lower tail of my brow. So, iska angular brush se bahut helpful hota hai, so it gets very convenient. So, pehle main upper ek line draw kar rahi hun towards the tail, and then main niche ek line draw karungi. स्टार्टिंग ऑफ द आईब्रो को हम इतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं करते हैं, जो बिल्कुल बिगिनिंग होता है ऑफ द ब्राउ उसको नहीं करते हैं, क्योंकि वह नेचुरल लुक हम थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करते हैं और टेल तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखते हैं, सो दैट वो ज़्यादा डार्क हो एंड जो बिगिनिंग हो वो थोड़ी लाइट ही चाहिए होती है हमें. एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप लाइट हैंडेड करें ब्राउज़ को. ब्राउ पर कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के नहीं करना चाहिए, उससे वो बहुत ज़्यादा फेक लगती हैं. या फिर अगर आपको ड्रामेटिक चाहिए देन यू कैन डू इट. सो दिस इज़ हाउ माई बोथ माई ब्राउज आर डन. नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ कंसीलर. दिस इज़ फिट मी कंसीलर बाय मेबेलिन. दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट. एंड नाउ टू हाईलाइट माई ब्राउज आई एम गोइंग टू यूज़ दिस. इससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा नीट लुक मिलती है, साथ में आपकी पॉप आउट होती है एंड जो भी थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा फ्लॉ होता है वो भी कंसील हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड ब्यूटीफुल लगता है. एंड आई थिंक इफ़ यू आर डूइंग योर ब्राउज एंड यू वांट टू गिव इट अ वेरी डिफाइंड लुक, देन कंसीलर इज़ अ मस्ट फॉर यू. चाहे वो हाई कवरेज हो या लो कवरेज हो, वो एक नीटनेस देता ही देता है. सो आई वुड एडवाइज यू टू ऑलवेज यूज इट इफ़ यू वांट अ गुड यू नो फिनिश्ड लुक वाली ब्राउज. अगर कैजुअल चाहिए देन यू कैन गो फॉर दैट, मतलब कि आप नहीं कर रहे हो. सो दिस इज़ हाउ इट्स डन. एंड इस एक ब्राउ को मैंने कर लिया एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद माय अदर ब्राउ. एंड बस इसको आप कर लोगे एंड देन यू आर डन.